राम मंदिर का पुराना मॉडल जो 2002 से अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा हुआ है, ये आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस पुराने मॉडल में आज के मॉडल की तरह तीन नहीं बल्कि दो मंजिल ही थी। इस मॉडल को पहली बार 2001 में कुंभ मेले में दिखाया गया था। 1989 में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जब आह्वान हुआ वहां पर कुंभ क्षेत्र में, तो ये कहा गया कि हम एक मॉडल जो है नक्शा जो है प्रस्तुत करते हैं संतों के सामने। तो सी बी सोनपुरा साहब ने, जो गुजरात के आर्किटेक्ट वर्तमान मंदिर के जो मतलब वास्तुकार हैं, उन्होंने जो है उस मॉडल को वहाँ पर संतों के बीच में रखा। राम मंदिर के वास्तुकार सी बी सोमपुरा ने 1989 के कुंभ मेले में संतों के सामने मंदिर का डिजाइन दिखाया था, जिसके बाद इस मॉडल के प्रति आस्था इतनी उमड़ी कि लोगों ने इस मॉडल को ही राम मंदिर मान लिया था। सी बी सोमपुरा के डिजाइन के आधार पर ही जयपुर के विजय रूड़ी ने एक मॉडल तैयार किया था, जिसे 2001 के कुंभ मेले में संतों के सामने दिखाया गया और 2002 में इसे ही अयोध्या लाया गया था। देखने में ये मॉडल संगमरमर से बना हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में ये संगमरमर की डस्ट और थर्माकोल से बना है। 2002 में एक नवयुवक जो है वो विजय डूडी करके हैं और जयपुर के हैं, निवासी हैं, उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया और इसको हम लोगों ने 2001 के कुंभ में रखा वहाँ पर, या दो के कुंभ, दो और एक का जो रहा। उसके बाद फिर इसको अयोध्या जी में लाया गया और ये कारसेवपुर में स्थापित कर दिया गया। पुराने मंदिर के डिजाइन में सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह था, जो वर्तमान में बन रहे राम मंदिर में भी है, लेकिन इसे और बड़ा बनाने के लिए इसके डिजाइन को थोड़ा बदला गया है। पुराने डिजाइन वाले मंदिर का प्रस्तावित मॉडल 128 फीट ऊंचा, 140 फीट चौड़ा और 255 फीट लंबा था, जबकि वर्तमान राम मंदिर 161 फीट ऊंचा, 255 फीट चौड़ा और 350 फीट लंबा है।